ये लड़का सेटल नहीं किया है, मैंने मकान नहीं बनाया है, उसके बाद मेहनत दुगना करने लगते हैं। इट्स अ फैक्ट। 40 के बाद इंसान इंसान की तरह नहीं बल्कि उससे डबल काम करना चालू कर देता है जितना कर रहा है। आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं असर करता है, फ्री रेडिकल्स और पैदा होते हैं, जरूरत से ज्यादा शरीर से लेना भी फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये कुदरत की चीज है, आप यहाँ पहुंचेंगे जरूर, लेकिन पहुंचने के क्रम में चेहरा ऐसा नहीं होगा। फ्री रेडिकल्स आपसे अगर बचा लिया जाएगा तो आपके रिंकल्स साल भर में, 2 साल में एक आते हैं, अब 5 साल में एक आएंगे। आपका इंटरनल ब्यूटी ठीक रहेगा, एक्सटर्नल ब्यूटी ठीक रहेगा, और आप पर जो प्रदूषण का असर हो रहा है ये असर आपके पूरे शरीर पर कम पड़ेगा। Here's what it is, जिसको आप एंटी एजिंग तो नहीं बोलूंगा, ये एंटी एजिंग नहीं काम करता है, लेकिन ये बढ़ती उम्र को थोड़ा सा थाम देता है। ऐसा भी नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर द पीपल, ओनली फॉर द पीपल हु आर 40। ये आपको इंटरनली खराब कर रहा है, किसी भी एज में है आपको ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, किसी भी एज ग्रुप में है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के डेट में, बढ़ती उम्र को थोड़ा सा कम करेगा। मुझे तो इससे ज्यादा बूढ़ा होना अच्छा नहीं लगता, किसी को लगता है क्या? किसी को नहीं लगता। COQ10, COQ एनर्जाइजर। अभी हमने बात करी थी हमारे सेल्स को 40 पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट रोज के हिसाब से चाहिए। अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे सेल्स को एग्जैक्टली न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस, वो कोएंजाइम में ट्रांसफर करता है। हमारे सेल्स को कोएंजाइम चाहिए, एक एक सेल्स को, और वो उस कोएंजाइम में 95% कोएंजाइम जो है वो COQ10 है। इसमें अगर 40 प्रकार के कोएंजाइम बने, 20 बने, 25 बने, उसमें 95% जो है वो COQ10 है, और ये COQ10 आपकी बॉडी का पावर हाउस है। आप जो उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, उसमें भी ताकत लगता है। आपकी एनर्जी है, मुट्ठी आप बंद करते हैं, ये COQ10 है। जिसने इसका पता लगाया 1978 में डॉक्टर पीटर मिशेल ने, उसको नोबेल प्राइज भी मिला। अब सवाल ये है इसका हमारी बॉडी में क्या काम है। कुछ डॉक्टर का कहना है 30, कुछ का 35, उसका 40। हम लोग कंट्रोवर्सी में ना जाएं, 40 ही मान लें। 40 साल के बाद जिस, या आप 40 साल पहुंच के 38, जब भी आपकी मुट्ठी की ताकत, मुट्ठी बांधने की ताकत आपकी लगेगी कमजोर हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में 320 मिलीग्राम जो COQ10 होना चाहिए था, अब बॉडी नहीं बना रही है और ना ही बनाएगी। जिस दिन आपके हाथ से जवानी खिसकी, इशारे बहुत प्रकार से ये देगा कि बॉडी नहीं बन रही है। जिस दिन आप 3 माले पर चढ़ते थे, 3 माले पर रहते थे, सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचते थे, जवानी के दिनों में बराबर आते थे, जिस दिन आपको पहली बार लगा कि मैं थक गया और हाँफने लगे, आपकी बॉडी 320 मिलीग्राम COQ10 नहीं बना रही है और ना ही अब बनाएगी। यहां पर आप पहुंच गए हैं, आपको ऊपर से सप्लीमेंट देना पड़ेगा। ये मेल फर्टिलिटी के ऊपर भी काम करता है और इसके क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल इसमें है, हालांकि कम है, 15-17% ही इसमें सक्सेस है, बट यस इट वर्क्स ऑन दैट आल्सो। ये बेसिकली आपकी बॉडी का पावर हाउस है। अगर आप इसके एक जेल को, 60 मिलीग्राम का एक जेल होता है, उसको आप एक खाते हैं रोज, एक से ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, एक अगर आप खाते हैं 15 दिन तक, आप अपनी उम्र से 5 साल पहले, ऊपर से तो वैसे ही दिखाई देंगे, उम्र से 5 साल पहले आकर के खड़े हो जाएंगे, इंटरनल पावर आपके में ताकत उतनी आ जाएगी। इसमें कोई आदमी खाते हैं? एनीबडी, एनी मेंबर? सही है गलत है? जोरदार तालियां बजाइए। वो अपनी उम्र से 5 साल पहले आ चुके हैं, क्या आप भी आना चाहते हैं? सवाल ये है, यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, क्या आप अपने में फिजिकल वो एनर्जी चाहते हैं जो 5 साल पहले थी? नॉट फॉर द यंगस्टर्स। आपकी बॉडी में जितना बनना चाहिए था वो बन रहा है। ये कंपनी ऐसी नहीं है कि प्रोडक्ट आपको बेचना चाहती है, सॉरी नॉट फॉर यूज। 30 से पहले तो लेना ही नहीं है,
आपकी बॉडी बना रही है। साइंटिस्ट ये रिसर्च करके बता चुके हैं कि 30 तक किसी को भी COQ10 की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसको ऐसी बीमारी हो जाए कि शरीर पूरा कमजोर हो जाए, इसलिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी उन तक नहीं है। तीसरा चीज, चूंकि ये काम करता है आपकी एक एक सेलुलर लेवल, एक एक सेल्स का पावर हाउस है, इसीलिए आपका हार्ट में भी सेल्स है, सेल्स का बना हुआ है, हार्ट की पंपिंग को बढ़ाता है, हार्ट की पंपिंग को बढ़ाएगा, लीवर को ठीक रखेगा, किडनी को ठीक रखेगा। मतलब एक हमें इसके लिए मरीज खोजने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास या अगल बगल खोजने लगे, हार्ट पेशेंट खोजो और सबसे पहले उसको प्रोडक्ट पकड़ाओ। एनीबडी हु इज ऑफ 40+, आप ये जान लीजिए, गरीब का दिल, अमीर का दिल, किसी का भी हो, ये हार्ट जब खराब हुआ डॉक्टर को 8 लाख लेगा, ये डॉक्टर ऑपरेशन का 8 लाख लेगा। या तो 8 लाख घर में रख लीजिए, या 40 के बाद एक टैबलेट खाना रोज चालू कर दीजिए। अगर आप एक टैबलेट खा रहे हैं तो इस चीज की अश्योरेंस आपको होगी, साइंटिफिक। हाँ, वी आर अ साइंटिफिक रिसर्च कंपनी, वी डू नॉट टॉक स्टोरीज। आप लीवर, हार्ट और किडनी से नहीं मरेंगे। मैं अगर आज लेता हूं तो मैं लीवर की परेशानी नहीं होगी, ये नहीं होगी। मैंने कल कहा था मैं कुत्ते के काटने से मर सकता हूं, इनके डांटने से मर सकता हूं, लेकिन तीन बीमारी से नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं लेता हूं। COQ10 बेसिकली ताकत के लिए। आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए, एयरपोर्ट पर या स्टेशन के ऊपर में 60 से 70 साल का एक अमेरिकन या यूरोपियन या उधर का एक गोरा, जिनकी लाइफ में उधर न्यूट्रिशन स्टोर है, हमारे यहाँ न्यूट्रिशन स्टोर नहीं है, अभी भी हम ग्रोसरी स्टोर पर ही काम कर रहे हैं, मॉल तक पहुंचे हैं, उनके यहाँ 70 साल का एक, जिसकी 60-70 साल की एक वाइफ भी है, पीठ के ऊपर में 60-70 किलो का एक बैग लिए हुए और टैक्सी और ऑटो वाले से झगड़ता रहता है, तुम हटो, ज्यादा पैसे मांग रहे हो, मेरे को ये होटल नहीं जाना, मेरे को वो होटल नहीं जाना, सबने देखा होगा। हमारे यहाँ अगर एक 70 साल के आदमी को यहाँ से दिल्ली भेजना हो तो स्टेशन चढ़ाने के लिए पूरा आदमी जाएगा, पिताजी झोला नहीं उठा सकते हैं, 70 साल के हो चुके हैं, वो धीरे धीरे चलेंगे, पूरा आदमी जाएगा और स्टेशन पर जाके इनसे मैं बोलूंगा बक्सा नीचे रख के, भाई साहब मेरा भाई आने वाला नहीं आएगा, मेरे पिताजी हैं, जरा इसको नीचे उतार दीजिएगा दिल्ली में, वाई, क्योंकि वो सप्लीमेंट लेते हैं। सवाल ये है, आज के डेट में मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, सब कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे 50,000 रुपये महीने मिलते हैं, एक एग्जांपल है, या आपके लिए, आपको 50,000 रुपये महीना मिलता है, आप रिटायर कर जाते हैं, आपकी पेंशन हो गई 8,000 रुपये महीने। अब या तो आप तय कर लीजिए कि जो खर्च करता था पहले, घूमता था फिरता था सारे काम करता था, अब वो नहीं करूँगा क्योंकि मैं रिटायर हो गया, इसीलिए आज घर में आज से एक रोटी एक सब्जी बनेगी, सुबह के नाश्ते में बहुत कटौती हो जाएगी, शाम के खर्चे में भी कटौती होगी, कर लीजिए। और या नहीं तो सर आपकी अकाउंट में हर महीने में 40,000 रुपये डालना चालू कर देंगे, तो क्या होगा, फिर आप उसी तरीके से खर्च करेंगे। सवाल यह, आपकी बॉडी 320 मिलीग्राम रोज नहीं बना रही है और ना ही बनाएगी, अगर आप इसको डाल लेंगे तो ये डायरेक्टली सेलुलर लेवल तक जाएगा। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताऊं, मार्केट में बहुत सारे COQ10 मिलते हैं, फिर हमारे COQ10 है उनके COQ10 में क्या अंतर है, यस, इसको भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम COQ10 बायोपीरिन मिलाकर देते हैं, बायोपीरिन हमारी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये हमारी कंपनी की बपौती है, हम दूसरे को बायोपीरिन का भी पैसा लेते हैं देने का, पेटेंट, किसी भी टाइप का आप प्रोडक्ट, अगर आप कोएंजाइम लेते हैं, ये COQ10 लेते हैं किसी दूसरी कंपनी का, आपकी बॉडी 40% से ऊपर कोएंजाइम एक्सेप्ट नहीं करेगी 3 मिनट के अंदर में। इसको जरा स्लो करा दीजिएगा सर, दूसरा अगर आप COQ10 लेते हैं, आपकी बॉडी, ध्यान रखिएगा, आप जितना भी COQ10 लेंगे सिर्फ 40% आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी और बाकी आप फ्लश आउट कर देंगे, कोई भी COQ10 आपकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन ही है, चूंकि इसमें बायोपीरिन मिला हुआ है इसीलिए ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी को 40% और बढ़ा देगा, मतलब दूसरे का 40% तो अपना 60%,
अब कौन सा सीओ क्विटन बढ़िया आप जान लीजिए। इसीलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 15 दिन के अंदर में आपको अपनी उम्र से 5 साल पहले ला करके खड़ा कर देगा। 15 दिन लगते हैं हा? इसीलिए इसके असर को भी खत्म होने में 15 दिन लगेंगे। बिलीव यू मी, व्याग्रा तो नहीं है बट खुदा की कसम व्याग्रा से कम भी नहीं है। अगेन आप में फिजिकल एनर्जी इतना देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लीज प्लीज डू नॉट टेक 2 कैप्सूल्स, नहीं तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, जागे रहेंगे क्योंकि आप पूरे एनर्जाइज हैं। होगा क्या, दूसरे दिन ऑफिस में जाएंगे आपको नींद आएगी तो बोलेंगे कैसा प्रोडक्ट दिया था, ये तो खाने से नींद आती है। खाने से नहीं नींद आती है, 2 खाने से नींद आती है और उसका रीजन ये है। आपके पास भी आएगा ये, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक काफी है किसी भी एज के लिए, किसी भी एज के लिए एक काफी है। और ये फिजिकली आपको फिट रखता है, आप किसी एज में हो आपको थकने नहीं देगा। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बार बार क्योंकि जिंदगी, असली जिंदगी 40-45 के बाद ही चालू होती है। यू रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि अपना भी काम करना पड़ता है और बच्चों को साथ में उनको भी देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, वो काम कर रहा है ना। हर घर का आदमी अगर 11 बजे सो गया तो आप 12 बजे तक सोएंगे। इसे ये प्रोडक्ट आज के डेट में, और साथ में चूंकि इसके साथ विटामिन ई का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता है जो कि आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है जिसके लिए इसको दिया गया है, और ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी को 40% बढ़ाता है। कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन से पहले हम हल्दी की बात सोचें। आज से 20-25 साल पहले ना ही इतने डॉक्टर थे, ना ही इतने अस्पताल थे। अगर रोड पर चलते चलते कुछ कट गया या खेत में काम करते करते कुछ कट गया, घर पहुंचे या पैर में कुछ लग गया तो हल्दी पीस करके और पट्टी बांध दिया जाता था लगा। कटे तो हल्दी, जले तो हल्दी, कॉस्मेटिक्स में हल्दी, खाने में हल्दी, इवन कि हमारे घर के लड़कियों की शादी होती है उसमें अभी हल्दी का कार्यक्रम होता है। और ये सच है कि 2 बार हल्दी लगाने से स्किन टोन चेंज करता है। स्किन टोन चेंज करता नहीं करता, इट्स रियल गोल्ड। इस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुए थे, रिसर्च किसी ने नहीं किया था। ये सारी चीजें जो आप पर दिखाई दे रही हैं कोने में, ये सब के ऊपर में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। और रिसर्च क्या होता है उसकी एक कॉपी मैं आपके पास लेकर के आया हूं। कोई आदमी पढ़ना चाहे तो देख ले, देख सकते हैं। मैं सिर्फ साइंटिस्ट नहीं हूं, ना ही इतना पढ़ा लिखा, कोई आदमी देख सकते हैं इसको। देखिए देखिए, आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा दुनिया की, मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की किसी कंपनी में चैलेंज कर रहा हूं। एक एक प्रोडक्ट, एक एक रिसर्च के ऊपर सर करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़, लाख में नहीं। ये एंटी कैंसरस है, केमोथेरापेटिक है। केमोथेरापेटिक कब बोलेंगे, जब रिसर्च में पाया गया 2000 लोगों के ऊपर, 1500 लोगों के ऊपर इसको लगाया गया, देखा गया, पाया गया कि केमोथेरापी की जरूरत नहीं है, कैंसर से वापस ठीक हो गए। केमोथेरापी करने के बाद जो परेशानी आती थी उससे भी दूर हुआ, प्रोलॉन्ग लाइफ मिला। और क्लिनिकल स्टडी की गई, ये नहीं कि इनको खिलाया, इनका कहानी ले लिया, इनका कहानी ले लिया। हम लोग कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार और किताब छाप के बेचने वाले नहीं है। देख रहे हैं सर, एक एक रिसर्च जो है वो बताता है, और सारी चीज ऑनलाइन है। ये एंटी कैंसरस है कंपनी के, 2 पेटेंट है, ये 2 क्लिनिकल रिसर्च है, 2 वर्ल्ड वाइड पेटेंट है, एंटी कैंसरस है और इम्यूनिटी बूस्टर है। हल्दी को जब आप तोड़ेंगे, मैंने बताया था हल्दी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है बीज का, ये 10 किलो में मुश्किल से 500 से 600 ग्राम मिलता है, 5 से 6%। बाकी हल्दी का पार्ट घास भूसा है। आइए इसके बारे में मैं आपको, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं या ये एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा, यूएस का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट है, जैसे इंडिया में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है। ये भी सबिंदा से माल लेना पसंद करता है, लेकिन जब हम माल सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो दूसरे से खरीदता है, बिकॉज वी आर 95% स्टैंडर्डाइज्ड।
वी आर 95% स्टैंडर्डाइज एंड विद बायोप्रिन। दो चीजें दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसकी जहां तक टेस्टिमनी देने की बात है, टेस्टिमनी में मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, वो बोलेंगे मैंने अपने भाई को दिया था, हमने अपने ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने एक मरीज को दिया और उसका ठीक हो गया। सॉरी, वी डू नॉट बिलीव इन स्टोरीज, लेट अस स्टॉप दिस प्रैक्टिस। जब तक हम ये प्रैक्टिस स्टॉप नहीं करेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग को हिंदुस्तान में इज्जत नहीं मिल पाएगी। लेट अस कम टू द ट्रुथ। मैंने कनाडा में देखा है, मैंने यूएस में देखा है, मैं जापान में देखा हूँ, एक्सेप्ट मलेशिया, मलेशिया को छोड़ करके, वहां पर जब भी कोई आदमी स्टेज पर आता है अपने साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आता है, अदरवाइज उसको सीधे वापस भेजा जाता है। प्लीज डू नॉट टॉक, दिस इज नॉट ए स्टोरी हाउस, ये प्राइमरी क्लास नहीं है। आपके सामने अगर मैं बोलने जा रहा हूं, अगर मैं रिसर्च किया है तो रिसर्च की ये वॉल्यूम 1 सामने दे रहा हूं, पढ़िए इसको, झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक एक रिसर्च है मतलब है। अगर मैं बोल रहा हूं कैंसर ठीक होता है, देन आई एम गिविंग यू दी ऑथेंटिक रिपोर्ट। मैं अभी आपके सामने रिपोर्ट एक दे रहा हूं, पीजीआई चंडीगढ़, ट्यूमर हुआ इंटेस्टाइन में, उनको दर्द महसूस हुआ, साथी रही। एक ये हरमेश कौर है, ये चंडीगढ़ के बगल में मोगा की रहने वाली है, लुधियाना के बगल में मोगा की रहने वाली है, चंडीगढ़ पीजीआई में गई, यहाँ पर ओपीडी में इन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद इनको बोला गया 5 तारीख का रिपोर्ट, एग्जैक्टली डेट देखिएगा, 5 जनवरी इसी साल का 6 तारीख को इनको सीधे सीटी स्कैन किया गया, पूरा 6 तारीख को सीटी स्कैन किया गया और इनकी बायोप्सी ली गई। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके टेस्ट के लिए भेजा जाता है, टेस्ट की रिपोर्ट आने में हफ्ते लगते हैं, 13 तारीख को टेस्ट का रिपोर्ट आ गया, 13 जनवरी को टेस्ट का रिपोर्ट है। CA 125 889, 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, टर्मिनल पेशेंट स्टेज 3, घर जाओ, 4 लाख रुपए का इंतजाम करो, ऑपरेशन की जरूरत है, सब कुछ किया जाएगा, अब जाओ घर जाओ। आप ही लोगों की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इनके बगल में रहते थे, उनका बच्चा जिसको इन्होंने गोद में खिलाया था, बोला पापा जी ये काम, पापा जी तो गए हैं पैसे लेने के लिए, पता नहीं कब तक आएंगे, आंटी एक काम करो मैं आपके गोद में खेला हूं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, आओ ऑनलाइन बैठते हैं, आप भी पढ़ी लिखी हो, इसको देखो मैं क्या आपको दिखा रहा हूं, और कर्क्यूमिन इसने गूगल के ऊपर में कर्क्यूमिन खोला और खोल करके पूरा पढ़ाना उनको चालू किया। वाकई एंटी कैंसरस है मतलब है, साइंटिफिक रिसर्च जो ये चीज आपको दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें वहां पर गूगल के ऊपर में साइंस डाइजेस्ट पर अवेलेबल है, समझदार.com पर, हमारी कंपनी के समझदार.com पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। वहां पर जब उनको दिखाया, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, फिर बोला कि आपके पास कोई उपाय भी नहीं है, आपके पास पैसा आज के डेट में नहीं दे रहा है कोई, क्योंकि आप लौटा ही नहीं पाओगे, आप तो मर जाओगे, तुमको पैसा भी नहीं देगा, मेरी बात मान लो आंटी, खाओ पैसे मुझे मत देना, और उसने कर्क्यूमिन खिलाना उनको चालू किया। कर्क्यूमिन खिलाने का रिजल्ट आने लगा। ये रिपोर्ट है 14/6, 5 महीने के बाद मुझे पता चला, और मैं गया, मैं उनसे कहा कि एक काम करो, आप तो बोल रहे हैं मैं ठीक हो गई, बोले नहीं कर, मैं टैक्सी में बैठो, रिपोर्ट तो लेनी पड़ेगी, पहले अपना दिखाओ, और हमें कहानी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में अगर मुझे घूमना है, लोगों को बताना है, तो हम कहानी नहीं कर सकते, कहानी तो सब लोग करें, मैं सब लोगों की तरह नहीं रहना चाहता, ये कंपनी कुछ आगे बढ़ना चाहती है और सच के ऊपर प्रमाणित करना चाहती है। यहाँ पर आया सर, ये रिपोर्ट है CA 125 जिसकी मैं बात कर रहा था, CA 125 11.85, 35 से नीचे होना चाहिए, कैंसर से बाहर, इतना रिपोर्ट है। उसके बाद मैं कंपनी में फोन किया, एक काम करो इनका रिपोर्ट आ गया है, 35 होना चाहिए और उससे नीचे है, हमारी कंपनी से ने कहा कि एक काम करो 10 मिनट वेट करो, उसको फैक्स करो, रिपोर्ट फैक्स किया, उन्होंने उनका एक और टेस्ट करवाओ, कैंसर में जिन लोगों को पता होगा एंटीजन टेस्ट होता है, मुझे नहीं पता था सर, मैं क्योंकि मैंने कहा कि मैं साइंस का आदमी नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, उनका एंटीजन टेस्ट भी मैंने कराया, यहां भी नेगेटिव आया, मींस कर्क्यूमिन
कैंसर ठीक करता है, करता है मींस करता है। कहानियां तो बहुत है, अभी रास्ते में बोले कि कर्क्यूमिन ठीक हो गया, मैं उसके बाद भी नहीं करूंगा। अगर कैंसर इंस्टीट्यूट कहता है कि कर्क्यूमिन खरीदते हैं जो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया, इसका मतलब कैंसर ठीक होता है और वाकई ऐसा होता है। दूसरा चीज, ये एक एंटी कैंसरस है, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है। कैंसर पर भी मैं आना चाहूंगा, इसलिए मैं ये नहीं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कल के डेट में आप अपने पूना शहर में और आप जाके बंबई शहर में, या आप अहमदनगर से आए हैं तो अहमदनगर के शहर में जाकर के कैंसर पेशेंट ढूंढना चालू कर दीजिए। प्लीज लेट अस नॉट बिकम द डॉक्टर। सिकनेस का दो ही जगह है, एक डॉक्टर और दूसरा अस्पताल, उनको जाने दीजिए वहां पर। अगर मेरे घर में भी किसी को होगा, आपके पास भी होगा, तो आप भी लेके जाएंगे। सिकनेस का दो ही चीज है, एक विधा है डॉक्टर की, लेट अस रिस्पेक्ट दैट। आज के डेट में हम लोग पेपर, आप लोग सब पढ़े लिखे इंसान है, 15 से 20 दिन से ये चल रहा है। कैंसर का जितना भी 100 पेशेंट है, 100 प्रकार के कैंसर है, उसमें 18% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। 15 दिन से टीवी न्यूज़पेपर में इसकी बराबर आ रही है, सरकार को इसकी चिंता है। 35 से 65 बरस की और औरत को कभी भी, वेदर अ लेडी ऑफ योर हाउस और माय हाउस, इमेटेरियल, कभी भी हो सकता है। और सरकार दूरदर्शन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देती है कि आप एक काम करें, साल भर में 35 से 65 के एज की महिलाएं जाकर के सरकारी अस्पताल में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, ये फ्री में होता है। ना ही मेरी वाइफ गई है, ना ही आपकी वाइफ गई होगी, ना ही आपकी वाइफ गई होगी, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है। आज के डेट में मैं एक कर्क्यूमिन अपने वाइफ को देना चालू करता हूं, इस चीज का एश्योर हो जाता है इसको किसी प्रकार का कोई कैंसर नहीं होगा। आज तक तो नहीं हुआ है ना, अब तो एक टैबलेट ही बहुत काफी है, इसलिए कट करके रखेगा। यूट्रस का कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होने देगा। सीओक्यूटेन खाऊंगा तो क्या होगा सर, किडनी ठीक रहेगा, हार्ट ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, मेजर प्रॉब्लम दूर रहेगा। मतलब आपके डांटने से और कुत्ते के काटने से मर सकता हूँ, लेकिन इन पांचों रोग से तो नहीं मरूंगा। सवाल यह है, आज की डेट में हम सबसे पहले अपनी फैमिली से इसको चालू करें। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बताता है, आपको डोर टू डोर सेल्समैन नहीं बनाता है। अगर कोई कंपनी आपको सेल्समैन बनाना चाहता हो तो उसको छोड़िए सर, सबसे बढ़िया क्लिनिक तक अगर दी जाए उसके नीचे बन जाएगी। आज के डेट में हमें अगर किसी को कैंसर हो गया है उसको हम अपनी राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, और उसको फायदा भी होगा, होगा आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ग्राहक नहीं खोजना है, सबसे पहले अपना देखना है। ये कंजप्शन क्यों, ये दिस इज अ बिजनेस ऑफ टेलिंग, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग। मैं मार्केटिंग प्लान पर आऊंगा तो बताऊंगा कि आपको मैं माल बेचने के लिए नहीं बोलूंगा 5,000 का माल बेचो, 10,000 का माल बेचो, सॉरी ये कराने ही नहीं आया सर, हमारा माल बहुत दिखता है, हमारे पास इतना माल है कि बेचने के लिए माल ही नहीं है, माल ही नहीं है बेचने के लिए, आपसे क्यों भी पाऊंगा, आपसे नहीं भी पाऊंगा, परेशान आपको नहीं करूंगा। प्रोडक्ट अपने आप में दम है, जिस वक्त मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराऊंगा आपको एक एक चीज पर कम से कम 20 से 25 टेस्टिमनीज और एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, और प्रूफ और रिकॉर्ड के साथ। मैं कभी नहीं दूंगा मैं मोटा था मैं पतला हो गया, ये मेरा 5 साल का फोटो, ये मेरा 10 साल का फोटो। इससे पहले मैं कंपनी में काम करता था, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, मैं वाकई यही करता था, होता था पाए पैसे करके फोटो खिंचवाओ यार, मैंने करवाया है सर, मैं दुनिया का मैं भी इसी तालाब का मछली हूँ ना, हूँ तब ठीक हो जाता है बहुत अच्छे, स्पिरुलिना खाने से ऐसे करो एक बार, उसके बाद ऐसे करके फोटो खिंचवाओ, अरे मतलब खुद खा लेने से क्या सीना तल जाता है क्या, करवाता था मैं भी करवाता था, ये विधा है यहाँ पर, लेकिन हम उससे बाहर थोड़ा सा निकले। ये कंपनी के यूएस पेटेंट, वर्ल्ड वाइड यूएस एंड वर्ल्ड वाइड पेटेंट, इसको जाइए गूगल पर डालिए और देखिए कि कर्क्यूमिन के बारे में किसने रिसर्च किया, क्या पेटेंट है, कैसे होता है, क्या होता है, सब चीज खुली किताब है। ये नहीं बोलूंगा ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, नहीं, हमारा पेटेंट है, हमने पेटेंट लिया सारी दुनिया में, ये अपना आविष्कार है, पेटेंट का मीन्स आविष्कार है। दीज आर दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। एक एक पेटेंट में से 5-5 करोड़ रुपए लगते हैं आखिरी तक। इसके साथ बायोपिरिन, अगेन डिटॉक्सिफिकेशन, आप जो आपकी जितनी लंबाई हो उससे लगभग 6 गुनी आपकी इंटेस्टाइन की लंबाई है, लगभग, अगर आप 6 फीट के हैं तो
32 से 36 एग्जैक्टली मत लीजिए, मतलब 6 फीट के 6 गुने के लगभग इंटेस्टाइन की लंबाई। आप अपने घर में एक पाइप प्लास्टिक की पाइप लीजिए और जिस टैप से आप पानी पीते हैं उसमें 15 दिन के लिए लगा दीजिए, देखिएगा पाइप के अंदर में गंदगी बैठ जाएगी, जबकि आप साफ पानी उससे निकाल रहे हैं। इस पाइप का क्या होगा जिसमें 50 साल से 40 साल से 35 साल से 25 साल से इसकी सफाई नहीं हुई है? इस पाइप की सफाई कौन करेगा? मैं करूँगा, होना चाहिए ना। जो चीज़ टॉयलेट में निकाल देना चाहिए था, 2.5 से 3 किलो लेके जबरदस्ती पेट में घूम रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, नहीं दूंगा, नहीं निकालूंगा, प्लीज उसको निकाल दीजिए। 2 से 2.5 किलो कॉप्रोस्टैटिक स्टूल जबरदस्ती यहाँ लेकर के घूम रहे हैं, 1 महीने एक टैबलेट लगातार 1 महीने तक खाना है, जिसकी वजन 65 किलो के लगभग हो। अगर आप 70-72 किलो हैं आपको 60 दिन खानी पड़ेगी, इसीलिए उसमें 60 का टैबलेट है, आधे भी यूज हो सकता है, फुल भी आप करिए, आपकी वजन अपने आप में 2.5-3 किलो कम हो जाएगी। इसलिए नहीं कि ये दवा असर करके आपका वजन कम करा है, नहीं, आपके यहाँ जो फिक्स डिपोजिट था, जो रेकरिंग कुछ नहीं दे रहा था, उसको निकाल दिया। जैसे ही उसको निकाला, और साथ में होता क्या है कि आप जो कुछ खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर के नलियों से घुस करके निकलता है, इसकी सफाई बहुत जरूरी थी, इसकी सफाई कर दिया। अब आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा, आपको आपका शरीर हल्का महसूस होगा। पहले उठने में एक बार पैर एक बार ऐसे करके उठना पड़ता था, अब उठने में आपको कमर भी नहीं दुखेगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट इसका असर पेट में कुछ भी हो इसका असर यहाँ पड़ता है, वहाँ पड़ता है, मिस पड़ता है। सर साल भर में बोला जाता है 2 बार डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, हम लोग ये काम करते हैं जिंदगी में एक बार करके देखते हैं कैसा लगता है, अगर बढ़िया लगा तो आगे। अगर आपका पेट निकला हुआ है, बिलीव यू मी, आपको बेल्ट में एक छेद कराना पड़ेगा। किसी ने इसमें भी उपयोग किया है सर इसका? एनीबॉडी, ऐसा होता है क्या? आपका कुछ वेट कम हुआ? कितना कम हुआ? 2 किलो। 2-2.5 किलो ना, देखिए 2 किलो। और ये टाइट करना पड़ता है ना, इसलिए ये नहीं है कि आपका वेट कम हो गया, ना ना ना, आपके पास जो कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ था जिसकी जरूरत नहीं थी उसको घर से कचरे को निकाल दिया गया। दिवाली में जैसे सफाई होती है, अभी दिवाली बीती है, उसी तरीके से बॉडी में जो है इसकी भी सफाई एक बार दिवाली मनाया जाए, इसको भी एक बार क्लीन तो किया जाए। घर की सफाई करते हैं साल भर दिवाली में ना, इसकी क्यों नहीं करते? लीवर सपोर्ट, नाम इसका लीवर सपोर्ट जरूर है, लीवर की खराबी में दीजिएगा तो असर भी करेगा, 15 से 20% 25% पता नहीं। ये प्रोडक्ट उनके लिए लीवर की खराबी के लिए नहीं बनाया गया, ये उनके लिए बनाया गया है जो अल्कोहल डिपेंडेंट, जो अल्कोहल समझते हैं आप लोग कि हिंदी में बोलो इसको इसकी ये हिंदी समझ में आ जाती है सर, अंग्रेजी ये वाली वेरी गुड, इनको ये वाली अंग्रेजी आती है समझ में। अल्कोहल जो लेते हैं, होता क्या है कि जब आप अल्कोहल लेते हैं जिस वक्त में, उसमें आपकी बॉडी में अल्कोहल जाकर के एसिटाल्डिहाइड बनाता है, आपकी बॉडी में एसिटाल्डिहाइड बनाता है, और ये एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, 4-5 चीजें आपकी बॉडी में करता है। सबसे पहले जैसे ही आपने इसको लेना चालू कर दिया और 15-20 मिनट के लगते हैं आपके बॉडी में जाके अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड बनाने में, 15-20 मिनट के बाद आपको पसीना निकलना चालू होगा। पसीना नहीं होता है एक्चुअली, वो स्किन फ्लशिंग होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होनी चालू हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी से पानी को बाहर निकालना चालू करेगा, नंबर वन। नंबर टू, आप इसमें कितना भी पानी मिलाएं, जहां से जाएगा वहां सुखाते हुए जाएगा। यही कारण है कि रात को सोते वक्त जो लोग नहीं पीते हैं उनको पता नहीं है, कहानी की तरह सुनिए, जो पीते हैं वो भी चुप रहेंगे, वो अपने एहसास करेंगे। ये रात को, अगर रात को सोते वक्त 2 ग्लास पानी पी करके अगर आप नहीं सोते हैं तो रात को आपको एक बार प्यास लगेगी और नींद टूटेगी। अब आप जबरदस्ती फिर से सो जाइए या उठ के पानी पीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रात को एक बार प्यास लगेगी। तीसरा, ये आपके पल्स रेट को 40% बढ़ा देता है। 80 ml, 60 ml का एक पैक होता है, 80 ml, जैसे एक के बाद दूसरा का 20% गया, 15-17 मिनट लगता है, ये आपकी बॉडी का 40% आपका पल्स रेट बढ़ाएगा। जब पल्स रेट जैसे ही बढ़ा दिया तो आप
एकदम सातवें आसमान पहुंचते, कल क्या करना है बताओ, होता है ना। उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब पूरा फुल फोर्स में है आपका, सबसे जान पहचान है, कुछ भी आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ लाइफ में सब, जबकि मेरे लाइफ का प्रॉब्लम मैं खुद दूर नहीं कर सकता। ये वो नहीं कर रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पल्स रेट को ये एसिटाइल्डिहाइड जो है 40% बढ़ा देता है, लीवर के ऊपर असर करता ही करता है। इसके साथ में आपको सुबह में हैंगओवर होता है, हैंगओवर वही समझ पाएगा जो एक दो पैक लेता है, मतलब सुबह में उतने आप फ्रेश नहीं है, सुबह में उतने आप फ्रेश नहीं है। इट मे टेक हाफ एन आवर, इट मे टेक एन आवर, ऐसा भी नहीं कि सिर में दर्द है मैं कुछ कर नहीं सकता, वो एक अलग चीज है जिसको खुमारी बोलते हैं। इसके साथ साथ सुबह में टॉयलेट फ्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा एज यूजुअल तरीके से नहीं होगा। अगर इसका आप एक कैप्सूल लेने से आधे घंटे 45 मिनट एक घंटे पहले आप ले लेते हैं, उसके बाद आप लीजिए, ये पांचों चीज नहीं होगा, ये पांचों चीज नहीं होगा, मतलब आपकी घर के आगे आपने एक गनमैन खड़ा कर दिया है, आज ताला नहीं भी लगेगा तो चोरी नहीं होगी, एक रात के लिए, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया तो परमानेंट साल भर के लिए होगा, लेकिन आपने पैसे लगाए हैं मजा उतना ही है, उसमें कोई असर नहीं होगा। ओबेसिटी ये आज के डेट में यही नहीं, ये वर्ल्ड के लिए एक समस्या है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में 84% लोग इससे ग्रसित हैं, उसमें मैं भी आपके सामने एक हूं। एक किलो, 250 ग्राम, 500 ग्राम या ज्यादा, बट है इसमें एक कॉमन चीज, कॉमन सेंस है जिसको आज तक नहीं पकड़ा गया है। इसमें दादी नानी चाची मौसी मामी के नुस्खे बेचकर हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इतना कैलोरी खाना चाहिए, नहीं बर्न कर पाते हो, इतना कम कर लो, मेरे से पैसा मांग के दवा क्यों ले दे रहे हो, मुझे इतना ही बता दो, चार रोटी के बदला दो ही रोटी खाओ, पानी खत्म हो गया, मेरे पॉकेट में डाका क्यों डाल रहे हो, सही है ना, मुझे कम खाने हैं, अगर कैलोरी कम लेनी है व्हाई आर यू आस्किंग मनी, डोंट आस्क, कम करा दो मेरा कैलोरी घर में ही। यहां पर आज के डेट में बिलीव यू मी ऑन रिकॉर्ड दुनिया में कोई भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है एज व्हाट आई एम गोइंग टू से टेस्ट टू शो यू, ये अकेली दुनिया की पेटेंटेड प्रोडक्ट है, दुनिया की अकेली जिसको थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड मिला है। थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड मतलब उस साल की दुनिया की सबसे बढ़िया आविष्कार, उस साल का पेटेंट का बेस्ट पेटेंट। कोई चैलेंज करने की बात, नो चैलेंज है। इसको अमेरिका में 2001 का बेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का अवार्ड मिला, पूरे अमेरिका में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट को एक बार मिलता, लाइफ में हर साल नहीं मिलता। आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। इसमें होता क्या है आपको बताएं, कॉमन सेंस, इसमें तीन चीजें हैं, पोस्टली जिसको कि बेस्ट मिला हुआ है, ये आपकी बॉडी में कॉमन सेंस जरा देखिएगा, मुझे कैंसर हुआ, कैंसर मतलब एक सेल खराब हो गया, अब कैंसर सेल क्या पैदा करेगा, कैंसर सेल एक चार पैदा कर दिया, वो चार कैंसर सेल क्या पैदा करेंगे, 16 कैंसर सेल, 16 कैंसर सेल क्या करेंगे, 64 कर देंगे। अगर मेरे बॉडी में सेल्स मेरे फैटी सेल्स हो गए, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, खाना मैं दो ही रोटी खा रहा हूं, ये अगर इनका वजन बढ़ा हुआ है ये भी दो ही रोटी खा रहे हैं, दोनों भोजन दोनों का बराबर है, क्योंकि इनकी बॉडी में फैटी सेल्स आ गए हैं जो अपने आप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये काम करते हैं, फैटी सेल्स से फैट को निकाल देते हैं और उनको बर्न करा करके डायरेक्ट CO2 बना देते हैं, बर्न करके, अभी CO2 की बात किया था, एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी से फैटी सेल्स लिए गए, एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट को पकड़ा, आपके फ्लेश को नहीं पकड़ेगा, सिर्फ जहां जहां जिस पोर्शन में यहां पर जहां जहां भी या यहां पर एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट है उनको लेगा और बर्न करेगा, ये मोस्टली उसको बर्न करेगा।
बर्न करके और उसको थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया और आपके सेल को डायरेक्ट CO2 दे दिया। अब दूसरा इसका रिपरकशन क्या होगा, आपको भूखी कम लगेगी क्योंकि आप खाना खाते, खाने से न्यूट्रिशन मिलता, न्यूट्रिशन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस के थ्रू जा करके CO2 में ट्रांसफर होता, वो ट्रांसफर डायरेक्टली ये भेज दिया, तो आपकी भूख भी सप्रेस होगी और आपके चेहरे पर सिकन नहीं आएगा, आपके चेहरे पर सिकन नहीं आएगा और ये वाकई करेगा। और वहां पर जाकर के एक काम ये करता है गार्सिट्रिन, आपको भूख लगती है, आपके पेट में जलन होती है सर, भूख लगती है तो पेट में जलन होती है, ये आपके पेट में जलन नहीं होने देगा क्योंकि जिस वक्त आपके पेट में कुछ नहीं रहता है उस वक्त क्या होता है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक HCl बनता है सर, वहां पर जाकर के ये प्रोडक्ट जो है ये HCl बनने नहीं देगा, तो आपको पेट में जलन भी नहीं है, आपको ताकत भी है और आपके फैटी सेल्स भी कम होते जा रहे हैं, प्योर साइंटिफिक नेचुरल, प्योर साइंटिफिक नेचुरल। और चूंकि कुछ मेरे अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, वरना ये हम लोगों ने चूंकि अपने पास हम लोग क्लिनिकल, बिना क्लिनिकल का काम नहीं करते हैं, 83% रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक प्रोडक्ट आप तक नहीं लाते हैं, इसको इंडिया में भी लाने से पहले हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया, क्लिनिकल ट्रायल में ये V1, V2, V3, V4 चार ग्रुप बनाए, V1 जो कंपनी का अपना जिसको लीन गार्ड दिया गया, V2 जिसमें एक जिसका शोरूम है, आजकल वो ठेकेदारी में है तो सबका वेट कम करता है, उनके अपने ब्रांचेज और शोरूम है, वो V2 वो है, V3 में एक कंपनी है जो सिर्फ इसी व्यवसाय में है और वेट मैनेजमेंट के व्यवसाय में काम करती है, V4 जिनको कुछ नहीं दिया गया, जिनको सिर्फ हिदायत दिया गया, ठीक ठाक से खाना खाओ, ज़्यादा मटन नहीं खाना है, ज़्यादा पोक नहीं खाना है, बीफ नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, बाकी चीज़ खाना है। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन, जिन दो का यहाँ पर V2 और V3 हैं, इनकी कंपनी में पैसा भेजकर और इनसे डायरेक्ट माल लेकर के इनको बोल दिया गया है कि आपकी भी क्लिनिकल ट्रायल हम करने जा रहे हैं, आपको आने वाले 4 महीने के बाद जब मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा उस वक्त में V2 और V3 का नाम भी दूंगा, वैसे आप अगर मंद होंगे तो नाम समझ गया होंगे। और ये क्लिनिकल जो स्टडी रखी हुई है, हमारे यहाँ क्लिनिकल स्टडी ऐसा नहीं है कि सर्वे करने के लिए दिया गया, ठक 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 ओके सबको कर लो और सबको ओके करके दे दो, सॉरी, किसी भी दिन आप बॉम्बे में रहते हैं सर जा करके इसको देख सकते हैं, और आप भी बम्बई में कैसे आप जाके देख सकते हैं, वहां पर उनसे मांग के आपको मैं दिखाऊंगा, जिस वक्त आपको दिया जाता है, अगर आपको ट्रायल के ऊपर रखा गया, आपको ट्रायल के ऊपर रखा गया तो आपको हम लोग 2000 रुपये महीने देते हैं, आपको 4 कॉल करेंगे, जवाब दीजिएगा सर, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यस एग्जैक्टली आपका ये है, और जिस वक्त आप बोलेंगे ऐसा भी नहीं है कि सब पर ओके टिक लगा लो क्योंकि माल बेच रहा है ना सर, जिस वक्त आपसे बात हो रही है इसकी ऑडियो टेप और ये कागज दोनों साथ में लगी रहनी चाहिए, दिस इज नोन एज हाईली डॉक्यूमेंटेशन। इसीलिए क्लिनिकल स्टडी में भी जो क्लीन गोल्ड हमारा ऑफिस है अंधेरी का, दुनिया की क्लिनिकल स्टडी में हम 3rd नंबर पर आते हैं, उसमें भी हम लड़ाई कर रहे हैं कि दुनिया के नंबर 1 पर कैसे पहुंच जाए, क्योंकि हम क्वालिटी पर ही बात करते हैं, बिना क्वालिटी की कोई बात ही नहीं करते, वाकई कम करता है मीन्स करता है। ओमेगा, बहुत से लोग ओमेगा जानते हो, सबको पता है ओमेगा या किसी को नहीं पता, अगर नहीं पता है हाथ उठाए, सबको पता है ओमेगा, ओमेगा में दो चीज़, मैं बहुत क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट होना चाहता हूँ, ओमेगा में दो चीज होता है, ये फैटी एसिड है, इसमें EPA पाया जाता है, इसमें DHA पाया जाता है, 40 साल के बाद आपका खून गाढ़ा होने लगता है और आपकी नसें और आर्टरीज कमजोर होने लगती है, जिसमें खून गाढ़ा खून उसमें घुस नहीं पाता है और आर्टरीज भी कमजोर होती हैं, ये जा करके आपके खून को पतला करता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है, EPA 40 साल के बाद होता ही होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जिसको हमें मानना चाहिए ऐसा ही होता है, क्योंकि हम प्रकृति के खिलाफ नहीं है, हम जरूर ऐसा कारण ढूंढ रहे हैं कि हमें वो कमजोरी ना आए, ये ना आए, लेकिन साइंस जो बोलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है सर, साइंस साइंस है,
40 के बाद ऐसा होता है, इसमें डीएचए पाया जाता है। डीएचए आपके दिमाग का 76% भाग डीएचए है, दिमाग का इस्तेमाल तो करते ही है, इसके भरण पोषण के लिए, इसका मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं देते, सब चीज के लिए भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस के लिए देते हैं, दिमाग के मेंटेनेंस के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि माँ के दूध पाला 6 घंटे का दूध जो होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मीन्स नॉट ट्रांजिस्टर, ध्यान रखिएगा टेक्निकल वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिशनल कोलेस्ट्रॉल इज जीरो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मीन्स पहले 6 घंटे का दूध, हमें और आपको तो नसीब नहीं है, एक काम करते हैं यहाँ ओमेगा काम आएगा, ओमेगा एग्जैक्टली वही काम करता है। इसको अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, हम लोग के पास टाइम नहीं है वरना नेक्स्ट समय पूरा चीज आपको दिखाऊंगा, अगर गर्भवती महिला को, हम लोग ने बॉम्बे में दिखाया हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम था, जिस गर्भवती महिला को अगर दिया गया उसका बच्चा दिमागी रूप से सही पैदा होगा, इसकी गारंटी देता है 100% 99.999%। वैसे मानसिक रूप से विकलांग पैदा बच्चे 7,500 में एक बच्चा ही पैदा होता है, लेकिन भगवान न करे किसी के यहाँ एक बच्चा भी, क्योंकि पूरी जिंदगी का वहां सवाल है। दूसरा, अगर दूध पिलाती महिला उस वक्त में ओमेगा 3 लेती है, अभी हम ओमेगा की बात कर रहे हैं, ओमेगा मतलब किसी प्रकार का ओमेगा, अभी मैं अपने ब्रांड पर बाद में आऊंगा, अगर ओमेगा 3 लेती है उस वक्त में तो उसका बच्चा तुतलाएगा नहीं और ठीक से बोलना सीखेगा दूध पिलाने के वक्त। अगर उसको बच्चे के जन्म से लेकर के 10 साल तक ओमेगा 3 नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, उसको कोई जरूरत नहीं उसकी बॉडी को। 10 साल के बच्चे के, 10 साल से ऊपर के बच्चे, 600 बच्चों के ऊपर में बीबीसी ने ट्रायल करके बताया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, यू विल हैव टू बिलीव इट। जिस बच्चे को ओमेगा 3 दिया गया वो बच्चा क्लास में अच्छा नंबर लाया, पढ़ने में उसकी ध्यान ज्यादा उसका लगा, जो जो चीजें नहीं समझ पाता था ठीक से समझने लगा, इवन कुछ बच्चों के हैंडराइटिंग में भी सुधार आया। हर इंसान अपने बच्चे को, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं चाहूंगा मेरा बच्चा मेरी जिंदगी में यहाँ दिखाई दे, इट्स अ फैक्ट, ये बहुत अच्छा चीज है जो वहां असर करता है। बाजार में बहुत प्रकार के ओमेगा 3 अवेलेबल हैं, जिसमें मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, मैं दिल्ली बेस हूं, जो 20 फीट का कंटेनर हर 3 महीने में चाइना से मंगाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12.5 करोड़ रुपए का माल होता है सर, वो पूरा हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना में कौन सा सर्डाइन पाया जाता है, कौन सा ये उसको दूसरी ट्यूना मछली पाई जाती है या सलमन पाई जाती है, फिशी टेस्ट पाम ऑयल, फिशी टेस्ट पाम ऑयल, जैसे कि कोई आदमी डाबर का, चमेली का तेल या आंवले का तेल लगाया कोई इसमें, कोई नहीं लगा, वो क्या आंवले का तेल है, तिल का तेल है, आंवले का एसेंस, बजाज आमंड ऑयल 20 रुपए में, इतने बड़े, इतना बड़े सीसी में 20 रुपए का आमंड आप मुझे देंगे, चलिए जम्मू में निकलता हूँ सर, 300 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, 20 रुपए में दे रहा है, आप क्या खा रहे हैं, समोसा हर आदमी यहाँ खाता है, समोसे के साथ आप खाते हैं, बगल में एक लाल रंग की इतनी बड़ी बोतल रखी रहती है, सॉस में कौन सा टोमेटो सॉस सर, मैगी का खरीदिएगा इतना बड़ा 70 रुपए में देता, आपको फ्री में दे रहा है 5 रुपए के समोसे के साथ टोमेटो सॉस इतना दे दिया, इतना बड़ा बोतल बोल रहा है खाते जाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ 5 रुपए के समोसे के साथ। आजकल के डेट में आपको एज ए कंज्यूमर यू मस्ट बी अवेयर एंड You must be very, very educated to understand. क्योंकि हम पढ़े लिखे अकलमंद नहीं, हम पढ़े लिखे बेवकूफ, वहीं जाकर मार खा जाते हैं, पूरा लेके खा जाते हैं। आपको ओमेगा में, इसीलिए हम लोगों ने अपनी ओमेगा का कलर ही बदल दिया, क्योंकि हम उस बिजनेस में है ही नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट बनाते हैं इसलिए वर्ल्ड का बेस्ट आपको देते हैं। और एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट 60% ओमेगा 3, 20% ओमेगा 6, 20% ओमेगा 9, इसके साथ सेसामिन कॉम्प्लेक्स और बायोपिरिन मिला करके आपको देते हैं, बायोपिरिन कोई नहीं मिलाता है और हम लोग रेड कलर की देते हैं। दूसरा चीज, अगर आप लोग, अब मैं इस दूसरे प्रोडक्ट पर आने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हम एक सवाल ओमेगा पर, वो सिर्फ 2 आदमी ने कहा था कि मैं नहीं जानता हूं, आप लोग इतने आदमी अगर ओमेगा 3 जानते हैं तो आप लोगों ने वो भी एग्जाम्पल देखा होगा, एक थर्मोकोल के ग्लास में पानी डालो, ओमेगा को काट के डालो, थर्मोकोल काटो, किसने किया है,
मैं कंपनी का नाम सर एक चीज मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गौर करने की चीज मैं आपको बोल रहा हूं। मेरा काम आपको एजुकेट करना भी नहीं, करना भी है, माल बेचना नहीं है, मैं माल बेचने नहीं आया। सर जो चीज सामान्य कॉमन सेंस की बात सोच करके बोलिएगा, कभी भी इंटेलिजेंस या मत यूज कीजिएगा, गलत हो जाता है। जो चीज थर्मोकोल को काट दे केमिकल, वो मेरी हथेली को छोड़ेगा, कटवो। आप बढ़िया के लिए बोल रहे हैं कि मेरा बढ़िया है कि थर्मोकोल काट रहा है? अरे मेरे जैसा आपको ग्राहक नहीं मिला सर, मेरे जैसा उस दिन आपको इंस्पेक्टर नहीं मिला, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एम आई रॉन्ग सर? आप काट के दिखा रहे हो कि थर्मोकोल काट देता है, मेरा बढ़िया है, मेरी हथेली को छोड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, मुझे मजाक कर रहे हो, मारना चाहते हो मुझे? उस प्रोडक्ट से दूर रहिए। पान पराग का टुकड़ा लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कटोरी में इतने बड़े रखिए पानी, उसमें पान मसाला डालिए और ब्लेड को टुकड़े करके दीजिए, सुबह में ब्लेड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या साबित करता है? ये हमारी अतड़ियों को हर जगह से खराबी पहुंचाता है। और वहां क्या काट के थर्मोकोल में दिखा रहे थे? मदाड़ी का खेल। सर प्लीज हम लोग बंदर के मदाड़ी का खेल बंद करें। दिस कंपनी रियल रियल प्रोडक्ट, वी आर गिविंग यू द प्रोडक्ट। आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप बोलिए, कंपनी बोलती है कि ठीक होता है तो होता है, नहीं होता है कंपनी को कॉलर से पकड़िए, तूने क्यों बोला था गलत। आपको कुछ नाटक करने की बाजार में जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, अपने आप बोलेगा। आज के डेट में इनका अगर वेट कम हुआ है तो ये बोल रहे हैं, नहीं कम हुआ तो नहीं बोलते। प्रोडक्ट खाओ, कम अपने आप होगा। इसके नहीं कि आपका वजन कम हो गया, 2 किलो बॉडी से जो जरूरत का नहीं था निकाल दिया, जिसके लिए काम दिया गया था वो कम किया। वेट के लिए करेंगे, वेट के लिए कम करेगा। कैंसर ठीक होता है, मतलब होता है। आज के डेट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अगर मैं कहानियों के लिए उठाऊं तो हमारे 4 डिस्ट्रीब्यूटर उठ करके यहाँ खड़ा आके आके खड़ा होकर के बोलेंगे 4 का कैंसर मैंने ठीक किया, बट हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं, हम एग्जाम्पल में बिलीव करते हैं। हम उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने जिसका भी कैंसर ठीक कराया पेपर उठा करके लाइए। जब तक आप पेपर नहीं लाएंगे हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते, नहीं चाहते, मैं नहीं चाहते। सही है गलत है सर? आपके सामने हम जो चीज रखें वो फुल प्रूफ हो, क्योंकि अभी तक इतिहास की नेटवर्किंग में बात नहीं की गई है, नेटवर्किंग कहानियों पर चलाया गया है। आइए इतिहास की शुरुआत करें, इतिहास की शुरुआत करें कि ऐसा ही होता है, मींस होता है। स्पिरुलिना नहीं, ऑप्टिमम डायबिटीज मैनेजेबल है, क्यूरेबल नहीं है। डॉक्टर यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूं। मैनेजेबल है, क्यूरेबल नहीं है, लेकिन कितना हद तक मैनेजेबल है? एक जगह मैनेजेबल है जहां पर आपने मेरा सब कुछ आना खाना पीना सब कुछ बंद करा दिया। ये बड़ा खराब चीज है, बहुत परेशान करता है। बेसिकली दिस इज टर्माइट इन द बॉडी। यस, जिसको होता है उसी को पता है। यस, इट्स अ टर्माइट इन द बॉडी। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 जहां आपकी बॉडी पेंक्रिया का बीटा सेल, उतना तक हम लोग साइंटिफिक टर्म पर नहीं जाएं, आपकी पेंक्रिया इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, जिस भी कारण से रहा हो, जिस एज में हो, या एक बाइक भी हो गया हो, या बचपन से हो, डायरेक्टली इंजेक्शन के ऊपर है। अगर उनको भी दिया जाए वहां पर डोज कम होगा, दूर नहीं होगा वो, क्योंकि वो टाइप 1 है। टाइप 2, कभी किसी कारणवश जिंदगी में डॉक्टर ने टेस्ट करा दिया और उस वक्त में ज्यादा निकला, डॉक्टर साहब ने बोला आपको तो है। वो क्या है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस, डॉक्टर मत बनिएगा सर, जितना मैं जानता हूं जितना बताऊंगा उतना ही समझिएगा, बाकी डॉक्टर को रहने दीजिएगा। आपकी पैंक्रिया का बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही है, लेकिन ये सेंसिटिव इंसुलिन नहीं है, ये इफेक्टिव इंसुलिन नहीं है, इसीलिए ये जा करके और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उससे रिएक्ट करके उस पर एनर्जी में नहीं ट्रांसफर बट नहीं कर पा रही है। इसीलिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी है और आपकी बॉडी में इंसुलिन भी है, काम ही नहीं कर पा रही है, ठीक से नहीं कर पा रही है, बन रही है थोड़ा सा। इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये रैंडम की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद सुबह मुख और पीपी और फास्टिंग का टेस्ट होता है, एक बिना खाए हुए क्योंकि दवा का असर था, एक खाना खाने के 2 घंटे के बाद, मतलब खाना खाने के 2 घंटे के अंदर में कितना शूट अप करता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही तय करता है कि आपके दवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
उसी हिसाब से आधा टैबलेट चाहिए कि एक टैबलेट चाहिए कि दो टैबलेट चाहिए, डॉक्टर तय करते हैं, वो उनकी विधा है और हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। दैट्स द सिस्टम। क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो काम कर नहीं रहा, नहीं कर रहा तो क्या होगा? अब आपको ऐसा चीज दिया गया, इंसुलिन कोई काम नहीं कर रहा है, पैंक्रियाज काम करो, किनारे रहो, ये इंसुलिन ऊपर से दिया गया टैबलेट, इसने इंसुलिन का काम किया और कम कर दिया, इसने इसको कम कर दिया। ये जैसे ही आप कम कराते हैं और थोड़ा दिन साल दो साल तक आप खाने लगते हैं, तो ये इंसुलिन जो आपका पेंक्रिया था, जो इंसुलिन बना रहा था, ये बोलता है कि भाई अब एक काम करो, मैं जो कुछ गलत सही कर रहा था आपको तो पसंद नहीं आ रहा था, आपने मेरा काम दूसरे से करवाना चालू कर दिया, तो मैं जो कर रहा था वही करना बंद कर दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी पेंक्रिया काम करना कम करने लगती है, इसीलिए आप आधे टैबलेट से एक टैबलेट पर, एक टैबलेट से सुबह शाम एक टैबलेट पर, कुछ कुछ लोग हैं जो इतने हद तक चले जाते हैं, वो धीरे धीरे इंसुलिन पर भी उनको चला जाना पड़ता है। यही एक डायबिटीज है, इससे ज्यादा ना हमें जानने की जरूरत है ना हमें पढ़ने की जरूरत है। इसमें चावल दाल, चावल ज्यादा खाना, तला छना खाना, मीठा खाना वगैरह 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 सब कुछ बंद है। आप घर के मालिक हैं, आपने करोड़ों का मकान बनाया, आपके घर के 50,000 रुपये महीने से सब कोई बढ़िया से तला छना हुआ खा रहे हैं, आपके लिए 3 सूखी रोटी और हरी सब्जी, इससे ज़्यादा बात नहीं कर लेना। ऐसा भी नहीं है कि आपकी वाइफ, अगर आपके फैमिली मेंबर आपको नहीं खाने देते हैं, इसका मतलब वो परेशान करते हैं। दे केयर फॉर यू, रियली दे केयर फॉर यू, दे वॉन्ट योर लॉन्ग लाइफ। आइए इसके ऊपर भी एक कंपनी का पेटेंटेड प्रोडक्ट, मोमर्जी एंड सिलेनॉल, एक आपके इंसुलिन के लेवल को नॉर्मल करता है। यहां ब्लड शुगर लेवल को क्या किया उसने, नॉर्मल कर दिया, और दूसरा क्या करता है, उस नॉर्मलसी को मेंटेन करता है। सर इसके ऊपर में यूएस और इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं, सर मजाक नहीं है। अब सवाल यह है, इसकी इंडोर्समेंट किसने की? एक एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में, हॉर्लिक्स डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, क्लिंग क्लिंग, पता है सर कि डॉक्टर एसोसिएशन क्या होता है, तो बताते हैं कोई कुछ नहीं, वो मतलब इस रोड में हम लोगों ने 3 आदमी ने दुकान खोल दिया तो व्यापारी संघ बन गया। yes, it's a fact. सर कंपनियां आपको गुमराह कर रही है और आप हो रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा 3 बार सोचता। आइए इसको इंडोर्समेंट, मेडिकल कॉलेज को मान्यता कौन देता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल काउंसिल। उसकी एक रिसर्च विंग है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप दिल्ली में जाएंगे एम्स के ठीक राइट साइड में, आप ये रिंग रोड के ऊपर में ही आपको ICMR के ऑफिस मिलेगी। हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई है सर मेडिकल रिसर्च का? कोई नहीं है ना? वो उससे ऊपर, मतलब डॉक्टरों का भी भीष्म पितामह है, डॉक्टर डर के मारे उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उनके कॉलेज को मान्यता देता है, वो तो अदना सा इंसान है। उसको भी कंपनी ने दिया, आप एक काम करिए, हम लोगों ने तो वर्ल्ड वाइड पेटेंट ले लिया, हजारों के ऊपर हमने टेस्ट कर लिया, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल सब कुछ किया दुनिया में, आप जरा टेस्ट करके इसको देखिए। वैसे वहां पर फाइजर, ग्लैक्सो, रेनवैक्सी जाएंगे उनको भगा देगा, कमर्शियल कंपनी है, आप 3 रुपये माल बनाते हो, 13 रुपये का माल 14 रुपये बेचते हो, भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई ट्रायल नहीं है, तुम तो दवा बना बनाया लेते हो यार, फॉर्मूला लेकर के फैक्ट्री लगाए हुए बना के बेच रहे हो, क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च में हैं और हम लोगों ने बनाया, पेटेंट खोजा। आइए उस रिसर्च को देखिए, ये आपके लिए एक आईने के रूप में दिखा रहा हूँ, इट्स ऑनलाइन है, उसके बाद मैं बताऊंगा ये कैसे ठीक करता है। मैंने आपको बोला था मैं बराबर थर्ड पार्टी में बिलीव करता हूँ और हर चीज का प्रूफ मैं देना चाहता हूँ, कहानी में बिलीव नहीं करता। इंडियन कॉल, ये एक आपके लिए आईना है, आप जाइए हमारे पास, अगर 69 वर्ल्ड वाइड पेटेंट है तो 69 हमारे वेबसाइट है, क्योंकि एक एक पेटेंट की एक एक हमारी कंपनी है सर 5-5 करोड़ की, वो पेटेंट
वहां silvernall.com पर जाइए, जैसे ही जाइएगा और लिखेगा दिस सिल्वरनॉल इज द ट्रेडमार्क ऑफ समिंदा कॉर्पोरेशन, दिस इज रिसर्च दिस दैट दैट, और ये सारी चीजें सामने आएगी, ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, शुगर क्या होता है, नहीं होता, सारी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। या ये क्लिनिकल स्टडीज को क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिनिकल स्टडीज को क्लिक करेंगे ये पन्ना खुलेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडरटूक एन एंटी डायबिटिक पेज 2 ओपन ट्रायल इन 4 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया 223 लोगों के ऊपर में 35 से 60 साल के लोगों के ऊपर 12 हफ्ते तक। ये उनका किया हुआ रिसर्च है और इसको हिंदुस्तान में अभी किसी भी डॉक्टर को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ खाना बहुत दूर की बात नहीं है, इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनकी पूरी चीज, पूरी ट्रायल को, पूरी जो इन्होंने की है उठा के रख दिया। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं सर, मैं लेकिन एक चीज जानता हूं, इस रिपोर्ट में एक ही चीज कहा गया है, जितने आदमी को दिया गया सारे के सारे 100% का डायबिटीज कम हुआ और किसी हर ने टॉलरेट किया और किसी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ। आज तक के डेट में पेटेंट के इतिहास में 100% सक्सेस। इट इज नॉट अ स्टोरी, हां आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है सर, आपके हाथ में एक राम बाण दे रहा है, जाइए लोगों के 10 आदमी को डायबिटीज से बाहर निकाल दिए। पैसे तो आपको भगवान ने बहुत कुछ दिए हैं सर, पैसे कमाने के बहुत जरिया मिल जाएंगे। 10 आदमी को डायबिटीज से बाहर निकालिए, 5 आदमी को कैंसर से बाहर निकाल दीजिए, आपने बहुत कुछ कमा लिए। ऊपर में कितना फिक्स डिपॉजिट हो गया आपको पता नहीं है। हमारा एक एक प्रोडक्ट जिंदगी के साथ जुड़ा है और हम जब तक इसकी क्लिनिकल हम लोग कहानियों पर नहीं आते हैं, बहुत बार हमसे बोला जाता है वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। सर आपके यहाँ एक माया नगरी बगल में पड़ा हुआ है बंबई में, लाख रुपए में ऐसा वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा, पीछे बैठा रहूंगा, ये ऐसे तालियां बजेगी, डांस होगा, लोग ज्वाइन करेंगे, बेवकूफ बनेंगे, घर जाएंगे। हम लोग बेवकूफ बनाने नहीं आए, आप में एक एक चीज को बढ़िया से समझाने आए हैं। समझिए आप जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं उसके पास कौन सा, कोई आदमी कह सकता है हिंदुस्तान में आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी के पास दम है ऐसा एंडोर्समेंट लेने का? दम ही नहीं है सर, है या नहीं है तो बात की छोड़िए, दम नहीं है, आने वाले 100 साल में दम नहीं होगा, क्योंकि हम व्यापारी नहीं है और व्यापारी संघ में भी शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम आपके लिए एक फोटोग्राफ, चूंकि पहले लोग नहीं आए थे, फोटोग्राफ मैं जो दिखा रहा था पहले, एक फोटोग्राफ चल रही थी 2010 यूएनओ ने वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस के लिए 198 देशों को बुलाया, जिसमें मैंने पूरे देश को बुलाया, जिसमें 198 देश के स्वास्थ्य मंत्री ने शिरकत किया। दुनिया का एक ऐसा मंच जहां आपके नेता वही हैं, इसको ये मत लीजिएगा कि साइंटिस्ट क्यों नहीं गए और स्वास्थ्य मंत्री ही वहां जाते हैं। 198 देश के स्वास्थ्य मंत्री एक मंच पर बैठे हैं और सिर्फ 4 स्पीकर हैं और डॉक्टर मजीद एक स्पीकर है। आज वो इंसान वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस के ऊपर बात कर रहा है, कॉमर्शियलाइजेशन से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, मीन्स बहुत ऊपर है। आपको करना क्या है डायबिटीज में, ध्यान दीजिएगा, किसी को मत बोल दीजिएगा कि 90 दिन के अंदर में तुमको डायबिटीज से बाहर है, झूठ नहीं बोलना है। क्या बोलना है, क्योंकि मैं इस पर आ जाऊं इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे डायबिटीज है, आपको डायबिटीज है, मैं आपसे मिलता हूं, मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज के ऊपर काम करता है, आपको डायबिटीज से बाहर ले आऊंगा, बट प्लीज आप डायबिटिक हैं, क्योंकि आपकी पैंक्रिया और आपका किडनी ये दो जगह टिश्यूज 100% रीजेनरेट नहीं होते हैं, इसीलिए इनका ऑपरेशन नहीं होता, वरना डॉक्टर इतने चालाक हैं अब तक अगर खराब होता हो बढ़िया होने की चीज होती तो कर देते। किडनी भी बदली जाती है, क्योंकि दो है इसलिए बदल देंगे, कोई दो है तो दे देगा, पैंक्रिया हर के पास एक होता है, अगर ये दे देंगे तो या तो ये जाएंगे या मैं दूंगा तो इनको, तो ये मैं चला जाऊंगा, इसलिए ये ट्रांसफर नहीं होता है, रिट्रांसप्लांट नहीं होता है, दोनों नहीं होते हैं, इसलिए आप डायबिटिक हैं और आप डायबिटिक रहेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन आपको डायबिटीज में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपका 2 घंटे में शूट कर जाता है, 2 घंटे में शूट अप करता है, और 2 साल के बाद तो आपको खुद भी पता नहीं है कि कब शूट करता है कब नहीं करता है। अगर जिनके हाथ में वो घर में वो टेस्ट करने वाली मशीन है, कभी कभी क्योंकि उस वक्त में अपने आप उनको मालूम होता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, उनको पता है कि मेरा कब बढ़ गया कब कम हो गया, पैथेटिक सीन है, पैथेटिक। जिसको दीजिए उनको बोलिए इसको सुबह और शाम,
आपको खाना है, लेकिन डॉक्टर का जो दवा खा रहे थे वो प्लीज खाते रहिए, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है और ना ही हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ना ही हमने डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टरी डिग्री तो उनके पास है। आप एक काम करिए, जो खा रहे थे अभी तक तो ठीक नहीं हो रहे हैं, 2 घंटे में आपका बढ़ जाता है, 2 घंटे में आपको बढ़ा देता है। आइए एक काम करते हैं, इसी गणित को ठीक करते हैं, सुबह शाम इसको खाने के 1 घंटा पहले खाते रहिए, 1 महीने के बाद टेस्ट कराइए, 2 महीने के बाद फिर टेस्ट कराइए, 3 महीने के बाद फिर टेस्ट कराइए, बिलीव यू मी 90 दिन में आप नॉर्मल हो जाएंगे। अगर कंपनी ये कह रही है तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। जब आप नॉर्मल हो गए तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको आपके बॉडी के अंग, ये सब नेचुरल प्लांट सोर्स है, कोई सिंथेटिक चीज हम लोग नहीं करते हैं, प्लांट सोर्स 100%। आपको उसको लगे 3 महीने में आपको नॉर्मलाइज करने में, धीरे धीरे करेगा, बीच बीच में हो सकता है कि 1 महीने के बाद आप किए तो शूट करता हुआ नजर आ जाए, आप करते थे उस दिन 300, आपका उस दिन बढ़ा ही रहा था, ये अभी तक अपना असर दिखाया ही नहीं है। किसी किसी की बॉडी में 15 दिन में दिखा सकता है, किसी में 30 दिन में दिखा सकता है, किसी में 3 महीने लगा सकता है, लेकिन हमें ये भी नहीं करना है कि एकदम 30 दिन में ही आपको हो जाएगा, नहीं, हमें लेना है टाइम, लेना है टाइम। 3 महीने के बाद आप नॉर्मल हो गए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बोलिए सर मैं नॉर्मल हो गया हूँ डॉक्टर साहब, अब आपकी दवा मैं बंद कर रहा हूँ। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन 99% डायबिटिक डॉक्टर को छोड़ चुके हैं, अपने ही डॉक्टर हो चुके हैं, हाँ अपने ही डॉक्टर हो चुके हैं, आप नॉर्मल होइए, बंद कर दीजिए। आप कमजोर थे, आपको कमजोरी से एक स्वस्थ के अवस्था में, स्वस्थ के अवस्था में लाया गया है, अब आपको मेंटेनेंस डोज की जरूरत है। अंग्रेजी की दवा बंद कर दीजिए, अभी भी आप 1 सुबह 1 शाम इसको खाएंगे एज ए मेंटेनेंस डोज, एज अ मेंटेनेंस डोज। लेकिन पहले में और अब में क्या अंतर है वो मैं बता रहा हूं। अब आप आलू भी खा सकते हैं, बढ़ेगा नहीं 1 घंटे के अंदर। अब आप मिठाई भी खा सकते हैं, अब आप चावल भी खा सकते हैं। 4 दिन अगर प्रोडक्ट नहीं मिला हमारा तो नहीं भी खाएंगे तो भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर लगातार 1 महीना नहीं खाएंगे फिर वही हो जाएगा। आपको आजादी खाने की, चावल भी खा सकते हैं, थोड़ा मीठा भी खा सकते हैं, मतलब जो चीजें मना थी आपकी जिंदगी में वो सब चीज आपको आप कर सकते हैं, इतना हद तक ला करके ठीक करेगा। डायबिटिक यही है, इट डजंट मीन कि मैं 3 महीने खाया और खा करके ठीक हो गया, उसके बाद डब्बे को 1 लात मारा तो मैं डायबिटीज से बाहर हूं, सॉरी। क्लियर है सर? यस। एनीबडी आस्क एनी क्वेश्चन? इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी के साथ आप बात करने जा रहे हैं तो क्या आपको मैं बाहर कर दूंगा? अगर आपका मैं केस हूं आपको मैं बाहर कर दूंगा, आपके साथ मीठा भी खाऊंगा, आपका बढ़ेगा नहीं, लेकिन मेंटेनेंस डोज सुबह शाम लेना पड़ेगा ये, क्योंकि हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। आपका पैंक्रिया नहीं काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, और ये चूंकि काम करने में 15-20 दिन लगा दिया था, इसलिए ये नहीं भी खाएंगे तो 15 दिन तक काम करता रहेगा। अब देख रहे हैं ये असर है, और वहां पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर तुरंत एकदम मारा और पेन किलर की तरह नीचे किया, फिर शाम को खाना होगा, फिर सुबह में, ये अब नहीं है, उससे आप दूर हो। आगे बढ़ू सर, एक क्वेश्चन, सारी जिंदगी मैंने बोला भी है, इसके ऊपर मेंटेन किया तो भी चलेगा, एलोपैथिक नहीं भी है, इसके ऊपर एलोपैथिक तो बंद ही हो गया, बंद हो गया 90 दिन के बाद, आप नॉर्मल हो गए तो हो गए, कहानी खत्म है। अब आपको खाली मेंटेनेंस डोज, और 4 दिन छूट भी गया तो फर्क नहीं पड़ना, और मिठाई भी आप खाइए। अब आपको ये नहीं है कि पार्टी में जाए, किसी के घर में चाय अगर मिल रहा है, मेरे लिए तो शुगर फ्री होना चाहिए, मेरे लिए बिना शुगर का अगर मंगा देते, अब पर मैं ध्यानाकर्षण की तरह लगता है, सारा आदमी ग्रुप में बैठा हुआ है, चाय आ रहा है, मैं तो बिना शक्कर का लेता हूँ, कम से कम आप आउट तो नहीं हो, क्योंकि वहाँ डर है, ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, उनको मालूम है कि अगर मैं ले लूंगा तो मेरे लिए परेशानी है। कम से कम हम समाज में तो, अब तो ये नहीं होगा कि हमें कुछ चीज का दिक्कत है। ये सिंगल प्रोडक्ट से हो जाएगा या इसके साथ में और भी कुछ लेना पड़ेगा? शुरू में आपको चूंकि होता क्या है, देखिए इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं, इसके बाद मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन बाद में दें। होता क्या है कि डायबिटीज आपको कमजोर कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सिर्फ आप 3 रोटी और सब्जी दे रहे हैं, आप बॉडी को धीरे धीरे कमजोर करते चले जा रहे हैं। मैंने बोला था ना, एक प्रकार का टर्माइट है जो आपको कितने हद से परेशान करता है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए ये 1 घंटे पहले, इस पर लिखा हुआ एक अकेला प्रोडक्ट है जो खाने के 1 घंटे पहले खाना है, और खाने के आधे घंटे या 45 मिनट बाद आपको CO की लेना पड़ेगा।
क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है जो आपका खाना नहीं दे पा रही है। आपके खाने से ही न्यूट्रिशन मिलता है सर। ये हमें पानी वाला कंपनी नहीं बनाना है जो पानी से मिनरल नहीं निकालने पाती है तो बोलती है एडेड मिनरल। पानी में मिनरल होना ही नहीं चाहिए। पानी तो H2O नथिंग एल्स। कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मिनरल जाकर के पानी से लो? अगर मुझे आप बोलिए पानी से लेने के लिए तो कैल्शियम मुझे 70 बाल्टी पानी पीना पड़ेगा या 1 ग्लास दूध पिएंगे, वो भी इनऑर्गेनिक है। हमें क्या चाहिए? बायो अवेलेबल, ऑर्गेनिक चाहिए, तो एक अलग चीज है। यहाँ ध्यान से हमें समझने की जरूरत है आज के डेट में। इससे आप बाहर हैं। हाँ, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप अपने अपलाइन से मांग लें या मुझे आप ईमेल करें। प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन आपको हम जरूर बताएंगे जो नेक्स्ट बार में बताएंगे। एक बार में पूरा चीज नहीं ले सकते, पूरा चीज नहीं ले सकते। कॉम्बिनेशन काम करती है। यस सर, स्पिरुलिना ये दुनिया की सबसे पहली वनस्पति है। जब पृथ्वी बना और पृथ्वी ठंडा होकर के सूरज के टुकड़े से उस पर पानी आया, पानी में जो हरा हरा चीज काई सहवाल ब्लू एल्गी जो बोलिए वही स्पिरुलिना है। इसमें 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसी अनुपात में पाए जाते हैं जिस अनुपात में मानव शरीर को चाहिए। हम लोगों को 1976 के पहले ये पता भी नहीं था। 19 वो एक कहानी है अलग, कैसे पता चला आज के डेट में ये जान लीजिए। ये इसको WHO फूड फॉर टुमारो बोलती है। इसमें 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसी रेशियो में है जिस रेशियो में हमारी बॉडी को चाहिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन वी आर प्राउड इंडियंस। हम स्पिरुलिना के सबसे बड़े दुनिया के एक्सपोर्टर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी हमारा व्यापारी हमारा माल खरीदने के लिए इंसान को खरीदने के लिए नहीं खरीदता। वो जितने हम व्यापार करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि बाहर में बीफ और कोक ज्यादा खाया जाता है, उनका मेन काम यही है। इवन की डॉग फार्म्स हैं, उनको खिलाने के लिए, उनको जल्दी से बढ़ाने के लिए हमारा स्पिरुलिना बाहर में। मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बात करता हूँ। हिंदू मानव जाति को खाने के लिए स्पिरुलिना की कुछ प्रजाति हैं जिनमें एक प्रजाति अभी डेवलप की जा रही है, हिंदुस्तान में नहीं आ रही है। उसको बोलते हैं स्पिरुलिना प्लेटेंसिस, जिसको डॉक्टर क्यून कोडो ने कोरिया में सिंगल सीडेड डेवलप किया और नाम दिया स्पिरुलिना प्लेटेंसिस। हम आप तक लेकर के स्पिरुलिना प्लेटेंसिस को लेकर के आए हैं क्योंकि नासा के भी हम सप्लायर हैं। और क्या सप्लायर? अब मैं बताता हूँ। नासा में एस्ट्रोनॉट को जो स्पिरुलिना दी जाती है उस स्पिरुलिना की एज पर देयर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन हमारी ऊटा की फैक्ट्री में उसको तैयार किया जाता है और हम लोग पाउच में उनको देते हैं क्योंकि वहाँ टुकड़े में नहीं दिया जा सकता है। डिफरेंट स्टोरी, उसको वो एक अलग साइंस है। यस सर, बाजार में स्पिरुलिना की टैबलेट्स मिलती हैं, बहुत कुछ है तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? नहीं तो वही तो सेम आउटकम है। हम दुनिया की दुर्लभ प्रजाति का स्पिरुलिना आप तक लेकर के आए हैं, स्पिरुलिना प्लेटेंसिस, जहां से नासा अपने एस्ट्रोनॉट के लिए खरीदता है और उसमें बायोपिरिन मिला करके दे रहे हैं जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट को दिया जाता है। 6-6 महीना खाते हैं इसको। जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में सड़ी हुई मछली का गंध नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको कैप्सूल में बंद करके नहीं देते, कोई छुपाने की बात नहीं। नंबर टू, खाने के बाद सड़े हुए पानी की तरह का गंध नहीं आएगा। शायद मेरे पास नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको खिला करके दिखाता। मैं दुनिया की ये कंपनी आपके पास दुनिया की दुर्लभ प्रजाति का स्पिरुलिना ले रही है। स्पिरुलिना बहुत बाजार में, कोई कैप्सूल में भी बेचता, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको लीजिए। एग्जाम्पल के लिए घर में जाके कर लीजिएगा, मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मैं क्यों करूँ, मेरा काम है ही नहीं है। मैं तो अपनी कंपनी का पैसा लेता हूँ, उसका बात करता हूँ, दूसरे की बात ही नहीं करता। उसको उठाइए, पाउडर निकालिए, हाथ में रखिए, पानी लीजिए, 2 ड्रॉप पानी उस पर डालिए और सूंघिए। आप खा नहीं सकते हैं उसको, सूंघने के बाद आप वोमिट करने लगेंगे, खा नहीं सकते हैं सर। लेकिन हमारे टैबलेट को आपको छोड़ दीजिए, बच्चे के मुंह में दीजिए, बोलिए बेटा बैठ के चबाते रह, मजे लेकर के वो चबाएगा, उसको असर भी आएगा। स्पिरुलिना को WHO ने फूड फॉर टुमारो बोला है, इसका मतलब कि हर स्पिरुलिना को नहीं बोला है सर। हर आदमी के घर के आपकी चार दिवाली के ऊपर में बारिश के दिन में हरा 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 जम जाता है, प्लीज उसको पूरा छमत खाइए, वो भी स्पिरुलिना।
वो भी 100% स्पिरुलिना है। रोड के ऊपर में पानी जम गया, हरा हरा जम गया, बैठ करके खुरचने मत लगिएगा सर प्लीज, वो भी स्पिरुलिना है। देयर इज अ क्वालिटी, देयर इज अ क्वालिटी टू इट। आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसमें ऐसी चीजें ना डालिए, क्योंकि एक चीज आपको पता होगा लेकिन आपको बराबर याद नहीं आता, मैं आपको कर दे रहा हूं, आपका ये बॉडी एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसा इंजन है, दोबारा सेल्फ नहीं लेगा, कर लीजिए कर करिए, दोबारा सेल्फ नहीं लेगा, इसका सेल्फ बराबर रहना चाहिए, हमें कोई भी गलत चीज नहीं खाना, खाने के पहले 3 बार सोच के खाना, क्योंकि इसको हार्म नहीं पहुंचाना, ये बहुमूल्य है, इसकी कीमत ही नहीं है सर। दुनिया की सारी चीजों को इंसान खरीदता है, इंसान को आज तक कोई चीज नहीं खरीद पाया है, चाहे गरीब का जीवन हो, अमीर का हो, काला हो, गोरा हो, किसी जाति का, किसी धर्म का, इसकी बहुत की बड़ी कीमत है। ये आपके सामने, इसके साथ क्लिनिकल स्टडी, दूसरे स्पिरुलिना, इवन की दूसरे जगह में अगर आपको स्पिरुलिना प्रेटेंसेस भी मिल जाए तो भी उसमें बायोक्रीन नहीं है, इसीलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, क्योंकि बायोक्रीन तो हमारे पास, बायो परसेंट 60% एबिलिटी नहीं मिलेगी। इसमें एक चीज मैं बता दूं, जो चीज बेसिकली फॉर द चिल्ड्रन इनको जरूर देना चाहिए, उनमें हेमोग्लोबिन की कमी होती है, और जो औरतों में WHO की रिपोर्ट है, whether lady of your house or my house, immaterial, 80% of the women have some or other kind of the genital infection. They have means they have. ये रिपोर्ट है, इसको ना मैं झूठ ला सकता हूँ ना आप झूठ ला सकते हो, है मतलब है, चूंकि ये चीज माँ शादी करने के, शादी होने के वक्त में माँ अपनी बेटी को बताती है कि इसके बारे में मर्दों से बात मत करना, इसीलिए हम तक ये बात पहुंचती नहीं है। माँ ने सारी जिंदगी जब से होश संभाला नानी को देखा था, उसे भी इन्फेक्शन था, इसीलिए शादी के बाद जब माँ को इन्फेक्शन हुआ तो माँ ने सोचा मेरी माँ को भी था, ऐसा ही होता है। बेटी ने माँ को देखा, जब से होश संभाला ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वहां भी अगर स्पिरुलिना एक सुबह एक शाम खाया जाए, बिलीव यू मी 45 दिन के अंदर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो पीढ़ी से चला आ रहा है उसको नियति मान लिया गया है, और लेडी डॉक्टर उसके लिए पैसा भी लेती है, उसको पता ही नहीं है ये हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते होता है। और ये कंप्लीट फूड है, 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये आपकी बॉडी के हार्मोनल डिसबैलेंस को कंप्लीट कर देता है, दूर कर देता है, और आपके जब हार्मोनल डिसबैलेंस ही नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। काउ लीवर में जितना पाया जाता है उससे 3 गुना इसमें पाया जाता है। इसका 6 ग्राम का मतलब 12 टैबलेट का मतलब दिन भर कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, 12 टैबलेट खा लिया ना, दिन भर का खाना हो गया। एस्ट्रोनॉट ऊपर में जाते हैं सर, 6 ग्राम रोज खाते हैं और 6-6 8-8 महीने तक रहते हैं, हेल्थ वैसा ही रहता है। दिस इज द सेम क्वालिटी एग्जैक्टली। दो प्रोडक्ट है, बहुत शॉर्टली मैं लूंगा, ये बेसिकली फॉर लेडीज ऑस्ट्रो स्ट्रॉन्ग, लेडी फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 ईयर्स, 13-14 साल की बात से लेकर 14 साल से लेकर के 50 साल की उम्र तक, हर महीना इनका बायोलॉजिकल चेंज होता है, बायोलॉजिकल चेंज के दौर से ये गुजरते हैं, इनके यूट्रस का इनर लेयर रिप्लेस होता है, और ये इस चीज का द्योतक है कि इनमें मातृत्व अभी है। इस दौरान, इस उम्र से लेकर के 14-15 से लेकर 60 बरस तक ये कंप्लीट हार्मोनल डिसबैलेंस गुजरती है, जिस चीज को आज तक मेल जितने हैं इंक्लूडिंग मी हम नहीं समझ पाए हैं ये किस दौर से गुजरते हैं, वो बहुत मुश्किल के दौर से गुजरते हैं। कंप्लीट हार्मोनल डिसबैलेंस, स्वास्थ्य एकदम ऐसे कगार पर है कि समझ आप नहीं सकते हैं, क्योंकि वही चीज मदर ने बेटी को समझाया है, बात नहीं करना है इसके बारे में, ये बात भी नहीं होती है। और उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पीरियड एक औरत की जिंदगी का मेनोपॉज के 2 साल पहले और 2 साल बाद का होता है, 48 से लेकर 52 की उम्र उनके जिंदगी के सबसे खराब दिन होते हैं। दिस इज साइंस। मेनोपॉज आने वाला है, एक ऐसी चीज शरीर में आने वाली है, होने वाली है, जिसके लिए बॉडी को तैयार होना, कंप्लीट हार्मोनल डिसबैलेंस, और फिर उसको बॉडी को 2 साल तक एक्सेप्ट करना।
इसके दौरान वो दो बच्चे की माँ बनती है। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं हमारी कोई ना कोई माँ है, हम किसी न किसी के बच्चे हैं। दो बच्चों, तीन बच्चों, एक बच्चे की माँ बनती है और बच्चे का पूरा शरीर यहाँ पर बनता है, पूरा शरीर, पूरा शेप यहीं बनता है, उनकी हड्डियां वगैरह सब उनकी हड्डियों से निकल करके आता है। बाजार में जितने भी कैल्शियम अवेलेबल हैं जो टुकड़े में और टैबलेट में दिए जाते हैं वो आपके शरीर में किसी प्रकार से नहीं लगते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं इसलिए उसको खाते हैं। आपकी बॉडी को ऑर्गेनिक कैल्शियम चाहिए, इनऑर्गेनिक कैल्शियम आपकी बॉडी नहीं लेती है। इनऑर्गेनिक कैल्शियम जो है वो बायो अवेलेबल होता ही नहीं है। दो बच्चे की माँ होने के चलते में हड्डी मेरी भी कमजोर है, एज के साथ आपकी भी कमजोर हो रही है, एज के साथ आपकी भी कमजोर रही है, लेकिन हमारा हड्डी छिद्रदार नहीं है। बच्चा जब होता है हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस है सर, उसका नाम, फोर्स हो जाते हैं, छेद होते हैं, 40 साल की अवस्था में औरतों के हड्डी का डेंसिटी ये हो जाता है। बोन डेंसिटी का टेस्ट कराएंगे, एग्जैक्टली ये हो जाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए क्योंकि इससे सारा चीज निकल करके और घर में खानदान पैदा हुआ जिसमें हम हैं, आप हैं, कोई और है। इसीलिए इनके एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहां से जो टूटता है ये एग्जैक्टली इस पोर्शन से, ये किसी मर्द का क्यों नहीं टूटता, खाली औरतों का ही क्यों टूटता है? सही है ना, ये सिर्फ औरतों का ही टूटता है, मर्दों का नहीं टूटता है। और ऐसा भी नहीं कि वो किचन में जा, बहाना क्या किया जाता है कि टॉयलेट में गई थी, पैर फिसल गया, ये हो गया, सच कोई नहीं जानता है सर। सच ये है अपने आप ये पहले टूट गया उसके बाद गिर गई, ये टूट गया अपने आप, इतना कमजोर हो जाता है ये पोर्शन क्योंकि सारा चीज बॉडी में यहीं से जाता है, ये इतना टूट जाता है। सवाल ये है, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ मास, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मास का नहीं है, बगल में जाके मत समझाइएगा उसे प्रोसेस। एक औरत जो आपके घर में है, मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी वाइफ हो सकती है, क्या मैं चाहता हूं कि उसके बोन्स यहां से यहां वापस आए और उसी मजबूती के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो? तो सबसे पहले गिव इट टू योर वाइफ, गिव इट टू योर आंटी, गिव इट टू योर मदर, डोंट ट्राई टू सेल इट, कोई बुलिश करने की बात नहीं है यहां पर। सबसे पहले अपने घर में, अगर अपने पहले निज पर शासन तब अनुशासन, पहले अपने पर, बाकी ज्ञान दूसरे को। दूसरा चीज है, एक औरत जो 25-26 साल के अवस्था में किसी घर में आती है, मेरे घर में कोई आई है, आपके घर में भी आई है, उसके मेनोपॉज के वक्त में 50 साल की उम्र में, 2 साल इधर और 2 साल उधर, क्या उसकी जिंदगी के 4 खुशी के साल आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो आपको 1 साल इस प्रोडक्ट चाहिए, कोई सिम्टम ऊपर से बॉडी पर नजर नहीं आएंगे, सिर्फ हॉस्पिटल में जाइए, बोन डेंसिटी का टेस्ट कराइए, आपको बता देगा 60% है, 70% है, 80% है, पर आपको बताएगा आपका 80% का खराब है। सबसे बड़ा चीज है कि आज के डेट में हमें इसको घर में देना है, 1 साल इसको खिलाना पड़ेगा, खिलाने के बाद ये डेंसिटी यहां से वापस आएगी और 40 साल के बाद औरतों को देना है, उससे पहले नहीं देना। ये प्रोडक्ट 40 साल के बाद की महिलाओं के लिए है, उससे पहले इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर डॉक्टर ने मुझे आपको 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 बोल दिया तो मर्दों को खाने की जरूरत नहीं, गलती से खा लीजिएगा, एक तरफ का मूंछ गायब हो जाएगा, मुझसे मत बोलिएगा, वहां हार्मोनल डिसबैलेंस को दूर करेगा तो आपको भी कुछ कर देगा। ये सिर्फ औरतों के लिए प्रोडक्ट है और निहायत ही आपके हाथ में एक ऐसा रामबाण मिला है जिसमें आप अपने घर के औरत या आपकी वाइफ हो या आपकी मदर हो, आपकी आंटी हो, आपकी सिस्टर हो, उसके जीवन में आप 4 खुशी के साल दे सकते हैं। क्या आप देना चाहते हैं? 4 साल जिंदगी के, 48 से लेके 52 का पीरियड, उनका हार्मोनल डिसबैलेंस में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस प्रोडक्ट को आप दे रहे हैं। और औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस है तो है, WHO की रिपोर्ट है, मतलब है। आगे बढ़ो सर प्रोडक्ट में। आर्थराइटिस, कोई डॉक्टर है इसमें? ये तो है, इनको छोड़कर चलिए ठीक। ये दो हड्डी के बीच में जहां जहां जोड़ मुड़ता है, यहां 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 घुटने में, इधर इधर, एक 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 लाख जगह जहां जहां से मुड़ता है, हर जगह दो हड्डी के बीच में एक कुशन के लिए कैटलिस्ट होता है जो हड्डी में कुशन का काम करता है और वो उम्र के साथ खराब होता है।
एज के साथ खराब होता है, बहुत चीज खाना पीना बढ़िया नहीं खा रहे हैं वगैरह वगैरह, एक लाख कारण है बट खराब होता है बहुत तरह। जब दो हड्डी के बीच का चीज खराब हो गया तो डायरेक्ट टच करने लगा, जब टच करने लगा तो दर्द होगा, क्योंकि सारा शरीर आपका यही घुटने के ऊपर है, इसीलिए आपको दर्द यहां ज्यादा होता है। अदरवाइज अर्थराइटिस का जितना असर यहां है उतना ही असर यहां है, उतना ही असर यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां, जहां जहां मुड़ रहा है सब जगह वही है, उतना ही खराब हुआ है। ये जितना बड़ा रोग नहीं है उससे बड़ा ये सामाजिक परेशानी आज के डेट में बड़ा, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स। सही बात, ये रोग नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। होता क्या है कि हमारे घर की औरतों में जनरली ये होता है औरतों में, क्योंकि उनकी हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस भी है, छिद्रदार भी है तो, और दूसरी चीजें भी है, तीसरा इनका थोड़ा सा वजन नहीं, इनका फिजिकल एक्टिविटी भी कम होता है, वैसे देखिएगा काम कर काम काजी महिलाओं में कम होता है। ये शुरू होता है 35-35 साल की अवस्था में, लेकिन कल्चरल प्रॉब्लम मैंने ये बोला कि शादी के वक्त लड़की को वही करके बोल करके माँ भेजती है, बेटी एक काम कर, जब तक कोई चीज परेशानी नाक से ऊपर नहीं पहुंच जाए तब तक घर के किसी आदमी को तंग मत करना। तो सहती रहती हैं, एक बाय 45 साल की उम्र के बाद, कभी कभी 50 के लगभग में पहुंचने के बाद एक दिन घर में हंगामा होता है कि मैंने अपने पूरे जीवन बिता दिया, अब हम लड़ा के चलने लगे, कोई केयर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। उसके बाद आप उठाते हैं उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर एक ही चीज इसमें दिया जाता है, कोई भी डॉक्टर होगा वो एक ही चीज आपको देगा, वो देगा ग्लूकोसामाइन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये दो हड्डी के बीच के कैटलेस को अगर नहीं है तो बनाता है, अगर खराब हो गया है तो रिपेयर करता है, रिप्लेनिश करता है, और ऐसा नहीं कि नहीं करता, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन किसी का आर्थराइटिस आज तक ठीक हुआ ही नहीं, किसी का भी ठीक नहीं हुआ। एक दो महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा अच्छा अच्छा बैठ जाओ इधर देखो, जबकि इधर हड्डी से इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको 300 रुपया फीस लेना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, इधर उधर देखा, एक काम करो आप कैसे बैठते हैं, जरा पैर को एक स्टूल के ऊपर रखा कीजिए, बहुत पैर नहीं हिलाना है, पैर इसे नहीं होना चाहिए नहीं तो सूजन इसलिए हो रहा है। आप पूजा भी करते हैं क्या? हाँ। कैसे करते हैं? ऐसे पालथी मार के बैठते हैं, सो के थोड़े भी पूजा किया जाता है। अच्छा अच्छा तो पैर मत मुड़िएगा, और कहानियाँ चलती रहेंगी, उसको भी पता नहीं होना। ये अर्थराइटिस अगर एक बार हो गया तो हो गया, जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, जो कोई बोल रहा है आपको झूठ बोल रहा है। अब क्यों नहीं ठीक होता मैं आपको बता दे रहा हूं, कारण भी कॉमन सेंस है, हम लोग कॉमन सेंस की बात कभी नहीं करते हैं। ज्ञान जो है हिंदुस्तान में कॉमन सेंस हैज बिकम मोस्ट अनकॉमन। सर एक चीज मुझे बताइए, 50 साल की उम्र में बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है क्या कि नया टिश्यूज का निर्माण होगा? जिसने पूछा कोई डॉक्टर है जरा बता, 50 साल के बाद नए टिश्यूज बनेंगे क्या? नहीं बन रहे, बॉडी आपकी 50 की हो गई, कहानी खत्म। ये 30-35 साल के ऊपर में अगर हल्ला किए होते, अगर चिल्लाए होते उसी दिन जो 50 में चिल्लाए, सोशियो प्रॉब्लम कल्चरल प्रॉब्लम से मैंने बोला, उस दिन ठीक हो गया होता, जिस दिन थोड़ा सा परेशानी हुआ था उस वक्त उसको रिपेयर हो गया होता। अब क्या हो गया? अब तो तार तार हो गया, उसका रिपेयर भी नहीं हो सकता है, और बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि नया बन सकता है। इसीलिए किसी को भी मत बोलिएगा कि अर्थराइटिस मैं ठीक कर दूंगा, 50 साल के बाद अर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, अब उसको रोकना है वो आगे बढ़े नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अर्थराइटिस तो ठीक नहीं होगा, उसके सिम्टम को दूर कर देते। सिम्टम क्या है? उसमें स्वेलिंग होता है और उसमें पेन होता है, ठीक है, उसके लिए बोस्वेलियन और पेट्रोमिन 3। ये डेढ़ महीने के अंदर में आपको 80-85%, 90% तक आपके दर्द को दूर कर देगा और स्वेलिंग को खत्म कर देगा, 80-85%। लेकिन आपको 100 साइज ही आपको लगेगा कि मेरा पूरा ठीक हो गया, 10% अभी भी है, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपने अगर छोड़ दिया तो डेढ़ महीने बाद फिर होगा। डेढ़ महीना जो असर होने में लगाया वो डेढ़ महीने के बाद फिर होगा, आपको ये लेना पड़ेगा, नहीं तो डेढ़ महीने के बाद फिर चल पड़ेगा। एक डेढ़ महीना छोड़ दीजिए, दो महीना लीजिए, एक महीना छोड़ दीजिए, फिर दो महीने लीजिए, यही बोस्वेलियन है जो हम एमवे को दुनिया भर में सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा अपना जो है। तो
Yes, Boswellia के नाम से बोलते हैं. Boswellia is our own patent and we are giving them in India, in Europe, in America, everywhere. लगभग 100 करोड़ से ऊपर का माल उनको देते हैं सर. छोटा मोटा मेरा ग्राहक वो ग्राहक नहीं है, बहुत बड़ा ग्राहक है. बहुत बड़ा हर बल यहाँ भी और यूरोप में भी. अब ऑनलाइन जाके देखिए, ऑनलाइन जाके देखिए. वी आर द पीपल हु अगर आपको बढ़िया माल बनाना है तो आपको सेमी और सविंदा से माल खरीदना ही पड़ेगा. पेटेंट के अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, महंत बन के बैठे हुए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके. एक एक पेटेंट पर 5-5 करोड़ लगते हैं. 69 पेटेंट हैं और कम से कम सैकड़ों पाइपलाइन में लगे हुए हैं. दुनिया का अकेली कंपनी जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट है. दुनिया में न्यूट्रिशन बनाने वाली कोई भी कंपनी अगर दुनिया में शीर्ष पर है तो हमारी ग्राहक है. अगर फार्मास्यूटिकल के शीर्ष पर कोई कंपनी दुनिया में कहीं है तो हमारी ग्राहक है. अगर कॉस्मोस्यूटिकल में, कॉस्मेटिक्स नहीं है, सिंथेटिक वाला नहीं, कॉस्मोस्यूटिकल में अगर दुनिया में कहीं शीर्ष पर है तो हमारी ग्राहक है. एंड वी आर प्राउड ऑफ देम ऑल्सो, वी आर प्राउड. यहां पर प्रोडक्ट का रेंज खत्म होता है. अगर कुछ